Hi friends, welcome to our pilgrimage and temple series. आज हम बात करेंगे देवी सती के आदि शक्ति पीठों के बारे में। हिंदुओं के धार्मिक पुराणों के अनुसार देवी सती के पिता महाराज दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित कर उसमें भगवान शिव को अपमानित किया। देवी सती अपने पति का ये अपमान सहन न कर सकी और इसीलिए दुखी होकर उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग दिया। ऐसा देख भगवान शिव क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर उन्होंने देवी सती का जला हुआ देह उठाया और पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने दुनिया को शिव जी के प्रकोप से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह को विभाजित कर दिया, जहां उनके शरीर के मुख्य अंग गिरे उन्हें आदि शक्ति पीठ कहा गया। ये देवी सती के वो पूजा स्थल है जहां सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आदि शक्ति पीठ कुल 4 की संख्या में है और इनके नाम कुछ इस प्रकार है: कालीघाट काली मंदिर, तारा तारिणी मंदिर, कामाख्या मंदिर और बिमला देवी मंदिर। पहला आदि शक्ति पीठ है कोलकाता का कालीघाट काली मंदिर। कलिका पुराण के अनुसार इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है कि यहाँ देवी सती का मुख गिरा था। यही कारण है कि इसे मुख खंड भी कहा जाता है। यहाँ मनाई जाने वाली दीपन्विता काली पूजा कोलकाता के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है। ये उत्सव कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा आदि शक्ति पीठ है तारा तारिणी मंदिर, जो उड़ीसा के ब्रह्मपुर में कुमारी पर्वत पर बना है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का ऊपरी भाग गिरा था। यही कारण है कि इसे स्थन खंड भी कहा जाता है। तारा तारिणी मंदिर भारत में तंत्र विद्या का भी एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। यहाँ मनाया जाने वाला चैत्र मेला ओडिशा के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। तीसरा आदि शक्ति पीठ है कामाख्या देवी मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि इसे योनि खंड भी कहा जाता है। यहाँ आषाढ़ के महीने में मनाया जाने वाला अम्बुबाची पर्व पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस दौरान देवी 3 दिनों तक रजस्वला होती है, जिसके कारण मंदिर के पास की नदी का रंग भी लाल हो जाता है। चौथा और आखिरी आदि शक्ति पीठ है बिमला देवी मंदिर, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी सती के पैर गिरे थे। यही कारण है कि इसे पदखंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि हर वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान देवी अपने उग्र रूप में विराजमान रहती हैं। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए मांसाहारी भोजन परोसा जाता है। तो ये थे देवी सती के 4 आदि शक्ति पीठ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सी यू सून।